YouTube पर अभी हमारे चैनल BPA News को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं ताकि आप कोई भी खबरों को मिस न करें व हमारे वीडियोस को लाइक करें। नमस्कार, आप देख रहे हैं BPA News। देश का सच दिखाते हैं हम। कोरोना वायरस वैश्विक महामारी COVID-19 से कैसे बचा जाए, इसके लिए हर तरह के जागरूक व सुझाव सरकार के द्वारा दिए जा रहे हैं। इसी परिप्रेक्ष्य में बलिया के बासडी स्थित तहसील के खरौनी गांव में सैंड आर्टिस्ट रूपेश कुमार सिंह ने कोरोना योद्धाओं को सफेद बालू पर लगभग 60 फीट लंबाई में अपनी कलाकृतियों के माध्यम से चित्रण कर सम्मान दिया है। वहीं अनोखा जागरूकता भी किया है। उन्होंने अपने कलाकृतियों के माध्यम से रेत पर बनाकर दिखाया कि कोरोना कहाँ से चला और कैसे पूरे देश में फैल गया। वाराणसी काशी विद्यापीठ में फाइन आर्ट्स के अध्ययनरत छात्र रूपेश की माने तो कोरोना महामारी में दिन रात मेहनत करने वाले उन योद्धाओं को जिन्होंने कोरोना संक्रमण में जोखिम उठाकर सेवा दिया है, यही मेरा सम्मान है। उन्होंने इस सैंड आर्ट को लगातार 15 दिन कठिन परिश्रम के बाद जाकर तैयार हुआ दिखाया। एक फ्लाइट उड़ी है और पूरे ग्लोब को घूम दी है, यानी पूरे वर्ल्ड को घूम दिया है। फिर उसके नेक्स्ट में है कि वो इंडिया आया है, इंडिया में भी फैलाया है और फिर इंडिया में आते ही लॉकडाउन हुआ है, तो हमने फिर उसके बाद एक खुली सड़कों में 4-5 कोरोना वायरस घूमते हुए दिखाया। उसके बाद उसको पुलिस का बैरियर लगा दिया है, यानी उसको लॉकडाउन कर दिया है। उसके बाद उसके नेक्स्ट में है हमारा सोशल डिस्टेंस पब्लिक गैदरिंग, उसको दिखाया हमने कि सोशल डिस्टेंस में रहें, पब्लिक गैदरिंग ना करें, स्क्रीनिंग कराएं, अपना 14 दिन तक क्वारंटाइन रहें, कैलेंडर भी दिखाया है ऊपर। फिर उसके नेक्स्ट में स्टे होम सेव लिप्स दिखाया, मतलब अपने घर में रहें, सुरक्षित रहें, ये हुआ था। उसके बाद उसके नेक्स्ट में हमने अटेंशन जितनी भी सावधानियां हैं कोरोना वायरस से, हाथ धोना है, मास्क लगानी है और उसके बाद हाथ नहीं मिलाना, हैंडशेक नहीं करनी है, उसके बाद ये नमस्ते करना है, दूर से ही नमस्ते करना है। उसके अलावा नेक्स्ट में हमने दिखाया है विश्वनाथ टेम्पल और एक मस्जिद और फिर फैक्ट्री, यानी स्कूल बंद, फैक्ट्री बंद, मस्जिद बंद, मंदिर बंद, ये सब हमने दिखाया है। उसके बाद अपना मैं महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ का स्टूडेंट हूँ, वो अपना कॉलेज परिसर दिखाते हुए उसको क्वारंटाइन सेंटर बना दिया गया है और लॉकडाउन में उस बच्चों को जूम ऐप से और ये मोबाइल के माध्यम से उसकी स्टडी चलाई जा रही है, वो चीज़ हमने दिखाया है। उसके अलावा उसके नेक्स्ट में हमने आरोग्य सेतु इंस्टॉल ऐप को बताया है कि सारे लोग आरोग्य सेतु ऐप इंस्टॉल करें अपने फ़ोन में और उससे कोरोना, अपने नज़दीकी कोरोना वायरस की जानकारी अपडेट प्राप्त करते हैं। उसके अलावा इम्यूनिटी पावर बढ़ाने के लिए हमने योग पावर को दिखाया है कि योग करें और अपना इम्यूनिटी पावर बढ़ाएं। फिर उसके नेक्स्ट में हमने दिखाया है केयर फॉर नियर बर, यानी अपने आस पास के गरीबों को, अपने पड़ोसियों को मदद करें, खिलाएं, खाने पीने की सारी व्यवस्था जो संभव है वो करें। फिर उसके अगले में दिखाया हमने कि पूरे देश कोरोना से एक जुट होकर यूनिटी के साथ लड़े। और फिर इसके लास्ट में हमने अपने मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी को बनाया है। इस पूरे घटने का वो स्टोरी ये है कि वहाँ PM को बनाया था और यहाँ CM को बनाया हूँ। वहाँ से PM जो भी बातें कह रहे हैं, पूरे देश में जो रूल मतलब कह रहे हैं कि वही हमारे CM उसको फॉलो कर रहे हैं, इस पूरी आकृति का यही मैसेज है। उसके बाद हमने इधर कोरोना वॉरियर्स को सैल्यूट करते हुए सारे पुलिस, मीडिया और सफाई कर्मी, इसके अलावा डॉक्टर्स, इन सारे लोगों की आकृति बनाकर एक ढाल बना पकड़ाते हुए और कोरोना वायरस से लड़ते दिखाया है, यानी कि हमारे ये चार ढाल कोरोना से लड़ रहे हैं। बस ये गाँव खरौनी गांव तहसील बासडी में रुपेश सिंह जी हैं जो सैंड आर्टिस्ट हैं, जिनके द्वारा कोरोना की अवेयरनेस के लिए बहुत ही अच्छी आर्ट बनाई गई है, उसी को देखने आए हैं। इससे गांव में बहुत अच्छा एक सोशल मैसेज जाएगा कि क्या क्या सावधानियाँ सबको बरतनी। मैडम, आर्ट के माध्यम से उन्होंने क्या दिखाया? उन्होंने सभी चीज़ें, जिस तरह से मास्क पहनना, सोशल डिस्टेंसिंग करना, हाथ धोना, ये सब चीज़ों को प्रदर्शित किया।